तो नमस्कार, मैं सुशील आपका ट्रैवल गुरु आपका स्वागत करता हूं ट्रैवल गुरु के एक नए भाग में। अप्रैल 2024 में मैंने एक वीडियो बनाया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसमें मैंने आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। उस वीडियो में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कौन से सेक्शन ऑपरेशनल है ये बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में, बिल्कुल आम आदमी को समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में बताया है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का भी मैंने प्रयास किया है। मेरे उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए मेरा तहे दिल से आपसे शुक्रिया। उस वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट आए और मैंने उस हर अच्छे बुरे कमेंट का दिल से उत्तर देने का प्रयास किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, उस वीडियो के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो कृपया ऊपर आए हुए आई लिंक पे क्लिक कीजिए। तो चलिए, मैं आपको दिल्ली से मुंबई तक का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रूट एनिमेशन के जरिए आपको दिखाता हूँ। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से शुरू होता है। दिल्ली से सोहना तक की एक लिंक है 60 किलोमीटर की, और ये दिल्ली से शुरू होके मुंबई में ख़त्म होता है। मुंबई में फिराज से जेएनपीटी की लिंक है 90 किलोमीटर की, और इस पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1350 किलोमीटर। अप्रैल के भाग में मैंने इसकी पूरी डिटेल जानकारी दी है। ये हाईवे सोहना से लेके सवाई माधोपुर तक ऑपरेशनल है। उसके बाद सवाई माधोपुर से लेके भानपुरा तक ये ऑपरेशनल नहीं है। भानपुरा इंटरचेंज से लेके थांडला इंटरचेंज तक ये हाईवे ऑपरेशनल है, और थांडला इंटरचेंज से लेके वडोदरा इंटरचेंज तक ये हाईवे ऑपरेशनल नहीं है। और फिर से गुजरात में वडोदरा से लेके भरूच का सेक्शन ऑपरेशनल है, और भरूच के आगे मुंबई तक कोई भी सेक्शन ऑपरेशनल नहीं है, और बहुत सारी जगह काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। जो हाईवे ऑपरेशनल है वो हरे रंग में बताया गया है, और जो हाईवे ऑपरेशनल नहीं है वो लाल रंग में बताया गया है, और जहाँ पे डिटूर लेना पड़ता है वो सियान कलर में बताया गया है। अब आते हैं इस वीडियो के मुख्य भाग पर, जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। सवाई माधोपुर से लेके भानपुरा इंटरचेंज तक का सेक्शन ट्रैफिक के लिए खुला नहीं था, लेकिन अब चेचट इंटरचेंज खुल चुका है, और अब चेचट इंटरचेंज से लेके भानपुरा इंटरचेंज तक का पोर्शन ट्रैफिक के लिए खुल गया है। ये अंदाजन 30 किलोमीटर तक का पोर्शन है, और इस सामने वाले स्क्रीन पर ये नीले रंग में दिखाया गया है। तो अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो तो भानपुरा आपको एग्जिट नहीं लेनी पड़ेगी। भानपुरा के आगे चेचट तक आप एक्सप्रेसवे से जा सकते हो, और चेचट में आपको एग्जिट लेनी पड़ेगी। चेचट के आगे मुकुंदरा हिल्स टनल पड़ते हैं, जिसका काम अभी तक चालू है। और अगर आप दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र कर रहे हो तो सवाई माधोपुर से आपको कोटा होते हुए आना पड़ेगा, और कोटा होने के बाद आपको चेचट इंटरचेंज पे एंट्री लेनी पड़ेगी। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनकी आईडी है coolfire0001, इन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि चेचट का इंटरचेंज खुल चुका है क्या। मुझे पता था कि ये खुल चुका है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं था, और उन्हें इस दौरान इस पर ट्रैवल करना था, तो मैंने ही उनसे कहा कि आप ट्रैवल करके देखो, 99% ये खुल चुका है, लेकिन आप अगर कंफर्म करोगे तो ये 100% कंफर्म हो जाएगा। तो उन्होंने रतलाम से कोटा इस हाईवे पर ट्रैवल किया, और मुझे कमेंट करके बताया कि चेचट तक ये हाईवे खुल चुका है, थैंक्स टू coolfire0001। शायद उनका नाम हरमन सिंह है। थैंक यू हरमन सिंह। मेरा एक उसूल है, जब तक आप इन्फॉर्मेशन के बारे में 100% श्योर नहीं हो, तब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए।
तो मैं ऐसे ही अपने दोस्तों से, ट्रैवल करने वालों से या सब्सक्राइबर से और ख़ास तौर पे यूट्यूब और गूगल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और आपके लिए वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो कृपया अपना चैनल ट्रैवल बिडू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देखते रहिए अपना चैनल ट्रैवल बिडू।